कैसे गिरे आप? धूला, पूरी बारात जा रही है आज। इधर भाभी बस करो। मेरे पास माए बनाने वाली। खाई ब्रेल टू भी खाई, कुंगशी भी खाई, क्यूटू टुंगू और और कौन सी बात कर वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सारे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट आया था कि कुछ कमेंट आते कि आप जय माता दी से स्टार्ट कीजिए, तो जय हो माता की, राम राम। मैं और आपको बता दूं, जैसे हमारे पहाड़ों में बहुत सारे रिवाज रहते हैं, वैसे ये भी एक रिवाज है। पकवान बनते हैं माघ के महीने में, तो साजे के बाद, संक्रांति के बाद हमारे पाव उड़ जाती है बासी। ये वही बासी के पकवान है और ये हमारी जाई को जाएंगे है एक उनके घर, और भी जाएंगे हम, अभी जाएंगे आज मम्मी डैडी को लेकर मैं अपने मायके जाऊंगी। चलिए फटाफट ये बना देते हैं, शाम का टाइम है, धूप जाने वाली है और काफी टाइम से 1 घंटे से लगी हुई, मैंने बहुत सारे बना दिए हैं और पकवान बोलते हैं। और एक कमेंट भी था पिछली बार की, कभी अखरोट की स्टफिंग बनाना, तो ये अखरोट की स्टफिंग बनाई है मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स तैयार होते हैं और फिर चलते हैं मायके की तरफ, सब फैमिली को लेके जाऊंगी आज। एक ले जाओ वापस, चलो एक तो यार। आज हम बहुत दिनों के बाद इकट्ठे जा रहे हैं, थोड़ी देर हम एक जगह बैठेंगे, उसके बाद हम फिर मेरे मायके चले जाएंगे। डैडी भी साथ में है और हेलो ड्राइवर को डिस्टर्ब मत करो। अच्छा जी, नहीं करते, चलिए ड्राइवर को डिस्टर्ब। हम पहुंच गए हैं इस वाली जगह पे, ये घड़ी जाएंगे हम यहाँ से, दिखाती हूँ आपको। धूप में बैठे हैं, ये वाला घर रोड के साथ ही है, देखिए यहाँ से कितना सुंदर दिखता है। और ये वाला जो इलाका है ये भी मेरे मायके साइड में ही पड़ता है, और बता दूं आपको शिमला कोटगढ़ में ये जगह है और बहुत सुंदर सी जगह है। धूप में ही बैठते हम मैक्सिमम, पावणे जहाँ जाते हैं ना, अगर मान लो धूप लगी हो तो धूप में ही बैठना पसंद करते हैं। यही बच गए बुआ के घर में, यहाँ आ गए और अब हम जाएंगे मंजावन, मतलब कि मेरे मायके। डैडी और मम्मी जैसे मामू की डेथ हुई तब भी नहीं गए थे, और फिर मम्मी की टांग टूटी थी इस वजह से भी नहीं, और आज सुबह उठ के ही बोलते हैं कि हमने उनके घर भी जाना है। तो चलिए अब अपने मायके ले चलती हूँ अपने सास ससुर को यहाँ। क्यों? अच्छा मतलब कि बीच में मुझे ही घुसेड़ना है। हाँ, इतने सारे पार्सल दी ने मंगाए हैं यहाँ से, उसको भी क्या, क्या है ये? पता नहीं, घर में देखेंगे हम, अभी हम नहीं देख सकते हैं दूसरों के पार्सल। नहीं, जब खुद खोलेंगे तब हम देखेंगे। हाँ, तब हम देखेंगे क्या क्या लाया है उसने। पूरी बारात जा रही है आज। फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये हमारे लंकड़ा वीर जी, ऐसे मंदिर होते हैं हमारे कुलजा, हमारा कुल देवता, मायके वालों का वो है। तो आज मैं पहलवान आगे आगे चली हूँ, क्यों रौनक? मम्मी डैडी अगली साइड से आए हैं, मतलब कि जब से रोड निकला पिछली साइड से बहुत कम आए थे, तो आज इधर से पहला घर हमारा ये है। यहाँ आजकल कोई नहीं है, हम सीधे ही नीचे जाएंगे, नीचे वाले घर के पास। ये वाला घर जो है, ये वाला पहले एक ही होता था, अब दो कर दिए हैं इसके। और मम्मी बोल रहे हैं कि वो इधर आए, आए आप पहले इधर, यहाँ अगली साइड जब डेथ हुई थी तब हाँ इधर ताटी में बैठे थे ये, पर अब थोड़ा सा अलग हो गया है इधर। चलिए अब यहाँ से नीचे चलते हैं, ये पूरा विलेज है हमारा, यहाँ से घर नहीं दिख रहे हैं ना, यहाँ से धूरा गाय बोला इन दी, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके हमारा घर, और वहाँ तक आगे और उधर भी हमारे ही घर है पूरे, हमारे बिरादरी वालों के इधर उधर भी सारे। चलिए अब यहाँ से भी नीचे चलेंगे, क्योंकि नीचे भी घर है आगे को। हे भगवान, हम पहुंच गए और आप सोए थे? आपका वेट करते करते सो गए। ये कैसे सोए हैं? और आते ही देखो तो क्या क्या मंगाया है ये। रौनक आराम से बेटा, मेरे बैग भी करने होते हैं। ये रूम में घुस गए और बाकी सारे किचन में। माहौल बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गया है, क्योंकि बाल दिखा दो तू अपने,
इसके बाल देखो, इसने भी बहुत सारे बाल कट किए हैं। क्यों काटे तूने? इसने मेरे से भी ज्यादा बाल काटे। मम्मी और मेरे मम्मी दोनों, मतलब की सास और मम्मी, थोड़े से सेंटी हो गए। और अब दिखाती हूँ इसके पार्सल में क्या क्या आया है। हाँ, जूते, ये रहे अच्छे जूते यार, मीशो से मंगाए हैं। यही प्रॉब्लम आती है कि फिसलने वाले आते हैं यार, फिसलने वाले नहीं चाहिए जूते। पर गर्मी में नहीं फिसलते, सर्दी में फिसलते। पक्का? क्या अच्छे हैं भाई, अच्छे हैं। एक बात और बताओ, कल हाँ? आए थे एक और दूसरे आए, वो खुले आए हैं। दिखा तो, ये तो वापस करने पर फोन तो कर दिया। दिखा कैसे हैं? ये तो वो है दिल्ली। कितने की आई है ये? ये भी मीशो से आई? फॉमी दीदी को पूरे आ जाएंगे ये? वापस ही रघुले। ओहो, ये तो बड़े हैं, ये बैक हो जाएंगे। तो ये जूते ही लेते रहते तुम? जूते ही नहीं, सारे फट गए तेरे जी पापा के शूज। ऑनलाइन शॉपिंग वाली ही है सारे। ये अब यहाँ बैठे रहेंगे, बात करते रहेंगे। हम चिमटा लेके चल पड़े खेत। क्योंकि हमने निकाल लिया है। हाँ, एक और ला, हमने निकालनी है बिच्छू बुट्टी। हम बिच्छू बुट्टी नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं कुंगशी पहाड़ी लैंग्वेज में। यहाँ बिच्छू गुट्टी बहुत अच्छी होती है और उसकी बनती है स्टफिंग। हमारी साइड को ज़्यादातर उसका साग नहीं बनता है, जो मक्की की रोटी होती है, थलोड़ी, कुंगशी बेड़ो थलोड़ी बोना, वो बनाने हैं। क्या लाम? भूंगी से मिला दूँ आपको? हाँ जी, मिलाइए जी। घास डालना होना भूंगी को ना? क्यों भाई भूंगी? अरे वाह, टॉप्स जी, एक में ही लगाया है। ला रही है फिर। हाथ में नहीं लगनी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं। इस तरह से निकालते हैं इसको। कुमड़ी कुमड़ी बोला जैला गया पूरी तरह, देख तू कहीं जोर जोर लगनी। बिच्छू बुट्टी की चाय भी बनती है, खून साफ करती है, गुणकारी है बहुत सारी। ग्रीन टी, मतलब कि पहाड़ों में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। और चलिए निकालते हैं फटाफट से फिर। अब तो साग भी बनता है और इसकी चाय भी बनती है और इसका स्टफिंग भी होती है। आप क्या बनाओगे? मैं तो कुछ नहीं बनाती, मेरे को ना स्टफिंग आती अंदर, इसमें मक्के की आटे की ना, मेरे से रोटी नहीं बनती उसकी। क्यों? मैंने आज तक बनाई ही नहीं ना। मैं तो बनाऊंगी, मेरे पास माँ है बनाने वाली। कल जंगल में जा रही थी, आज यहाँ जा रही हूँ। इसको निकाल भी यहाँ से। हाँ। और लग भी गई, हाय हाय हाय, दौड़ दौड़ गई ताकि दीदी है। ये तो लगनी मुझे हाथ में लग जाए। ऐसी छोटी छोटी निकालनी पड़ती है, छोटी छोटी ऊपर से ना। और मैंने कैसी निकाली ये? तो ठीक है ना, ये मोटा है पर बहुत लाओ तो आने थोड़े थोड़े दे। ये भाबर पर देख कितनी मोटी मोटी, और इसका रंग, और इसका रंग। ये भाबर इथे इथे बहुत साग दीदी है, नहीं मालूम है, पता नहीं मेरे। हाँ, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है शायद। मोटे मोटे कांटे होते हैं। हाँ, ये है कुंगशी और ये है भाबर। ये वाली ज्यादा इफेक्टेड होती थी अगर किसी को मारना होता था ना दे। पहाड़ों में एक विशेष प्रकार की सब्जी खाई जाती है, कंडियाली। कुंगशी तो खाई ही जाती है, जो ये पीछे को है ना, छोटा छोटा सा, जो लाइक ये वाला, ये घास है, लेकिन इसको ब्रेलटू बोलते हैं, है ना दीदी? ब्रेलटू बाजे बोला ही थले। और ए भी हमें खाई, ब्रेलटू भी खाई, कुंगशी भी खाई, बिच्छू बुट्टी भी खाते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ऐसी चीज़ें हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग खाई जाती है। इसको उठाते हैं और जो ऊपर ऊपर वाला है ना, जैसे हमने बिच्छू बुट्टी की ऊपर ऊपर की कुमड़ी कुमड़ी जैसी बोलते हैं निकाली, वैसे ही निकालते हैं और उसको भी खाते हैं। और इसकी सब्जी बहुत ज़्यादा, मम्मी ने जैसे ही देखा कि बहुत सारा ब्रेलटू है, शायद वो उठा के ले भी जाएंगे, पर हमारा तो पूरा कंसंट्रेट अभी बिच्छू बुट्टी पे है। द्वार ये है जी हमारा द्वार, मतलब कि जब ये वाला घर पुराना था तो इसको द्वार बोलते थे, और द्वार हमारा स्नानागार होता था। यहाँ नहाते थे, जिसमें कोई भी दरवाजा नहीं होता था, बोरी सी टांग दी जाती थी और फिर ऐसे ही खुले में नहाया जाता था। और ऊपर कुछ ये है, इसको बोलते हैं महादेव के कैम्पटू, जब हमारी शिवरात्रि लगती है उस टाइम। सच में ही मतलब कि शिव जी के लिए जब शिवरात्रि लगती है उस टाइम इसका तो दुआ बनता है, वो है। मैं यहाँ से ले जाऊँगी उस टाइम और फिर बनाऊँगी, आपके साथ भी दिखाऊँगी, फिर शेयर करूँगी। है जी मेरी भाभी का घर, अभी पता नहीं वो कहाँ है। यहाँ बचपन में हम बहुत खेले हैं, बहुत ज़्यादा, और इस टाइम यहाँ पे कोई है ही नहीं। शायद होगा तो हम अटैक करेंगे, जाएंगे। मैं आपको
बहुत सारे बिल्लों से मिलाती हूँ। हेलो, हे भगवान, आदमी को भले ही चूल्हे के पास बैठने को ना मिले लेकिन इनको पक्का मिलना चाहिए। कितने सारे हो तुम? हेलो, टुंगू सारे ही टुंगू। टुंगू वन, टुंगू टू, टुंगू थ्री, क्यू टू, टुंगू और छुलडू। क्यों ये घड़ी घड़ी पॉटी कर रहा था? पहाड़ों में ऐसे ही होता है। और कौन छुलडू करता था? दीदी और कौन छुलडू करता था? बचपन में हमारा भी बहुत हो जाता था छुलडू। इधर सोए हैं अभी आराम से। ये मेरे भैया है, मीट माय ब्रो। बचपन में हम मतलब कि यहीं पे ही था हमारा ज्यादातर उठना बैठना। मैं तो मतलब कि कुछ ज्यादा ही मेरा इधर ही होता था, पर ये नहीं, ये दादी के पास मतलब कि पिछली साइड, ये दादी के घर के साथ वाला घर है। तो हम यहाँ पहुंच गए हैं अब टुंगू छुलडू और किट्टू किट्टू के घर में। आज जब पहले के बोरे थे हमने डाला है। ये जी भाभी, गौर से देखिए इसको, भाभी जी को। सर कैसा अब डाल पाए? मेरे मायके वालों को अभी मैंने दिखाया ही कहा है, धीरे धीरे से ऐसे ब्लास्ट ब्लास्ट साइज है ना इधर। हे भगवान, गिर गई बे। और एक गिर गई आगे। ये वाला घर है इनका, अभी तो हम पूरा नहीं दिखा पाई लेकिन इतना है कि ये है जी घर जहाँ हमारा बचपन बीता। और ये भाभी जो बाय चलते हैं है? ना 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 भाभी, ऐसे प्यार है ना, पैसे डाल रहे हैं इधर। भाभी बस करो। इतने पैसे है ना भाभी के पास, मोटा ही पैसा है। मोटे आदमी के पास मोटे पैसे है। ना मोटे पेट वालों के। और इसने ना अभी यहाँ पे गिरी है, काश मैं वो वीडियो बना पाती है ना। कैसे गिरे आप? धूला मिट्टी की स्पेशल रेसिपी क्या ये? हाँ, सेवियां बनती है पहाड़ों में ज्यादातर, जैसे कि मेहमान आते हैं साथ में बनी है दाल और हरी सब्जी। अभी बहुत ज्यादा शोर है, खाना खाएंगे मतलब कि डिनर होगा, क्योंकि हल्की हल्की सी रात होनी शुरू हो गई। हम डिनर करके यहाँ से वापस चले जाएंगे। क्या खा रहे हैं आप आशीष? अनार। क्या है ये खाने में? सब्जी। अच्छा, सब्जी है। डिनर हो गया हमारा, ये डिनर तो डिनर है। घर में किसने बनाया है? मैंने बोला था बाद का, पहले तो ही बोले डिनर को ना। हां जी, जैसे सूत्र होते थे मुल खाली होती। हां जी, और खाना खा के रखना रहो ना, घर में खाना नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा ना आशीष अब? हां, देखिए आपको मेहंदी नहीं लगाता। हां, वीडियो देखी है विक्की मासी को मेहंदी लगाता है? कब देखी थी आपने वीडियो? देखी थी, कैसी मेहंदी लगाई थी? बहुत अच्छी। वेरी गुड। दादी बिल्कुल बैड में ही है अभी, मतलब कि बिल्कुल ही अब ठीक नहीं है दादी। अभी दिखाती हूँ दादी को, मतलब कि पहचानते भी नहीं है। इवन कि बाथरूम वगैरह सारा कुछ ही इनको पैड वगैरह लगा के रखते हैं। दादी, ओ दादी सुनते रहे। अब दादी सुनते ही नहीं है। दादी अरे नहीं सुनते दादी, अब ऐसे ही रहते हैं साइलेंट मोड पे, नहीं तो भी गाने गाते अगर ठीक होते हैं। ना खाते पीते कुछ भी नहीं, दिन को भी ऐसे थोड़ी सी। कल ओट्स सूप दिया, आज आधी रोटी दाल में बिल्कुल बारीक करके वो खिलाए। अब दादी ने खाना पीना भी कम कर दिया है, पर एज के हिसाब से वैसे बाकी डॉक्टर से दवाइयां इनकी चली हुई है। बाय बाय बाय। मम्मी वॉकर के सहारे बाहर निकले हुए है अभी। ओके ओके बाय, जाओ बोलो परे। चलिए चलते हैं अब। हाँ, हमारा रश्ती ऐसा गुस्से वाले तेज तरह ही, अभी ऐसा गुस्सा कर रहा था मेरे को, ऐसे कर दूँ कौन? तुम मेरी तरह? तो क्या तुम भी गुस्से कर रही हो? ऐसी है तपस तेज हो रहा है, ये गुस्से वाला। हाँ, रश्ती ने खाना भी खा लिया है, इसको हमने अब थोड़ा सा घुमाना है बाहर। रश्ती खूब सारा एक्टिव हो पड़ा है और दवाइयाँ इसके भी चली हुई है, लेकिन काफी अच्छा हो गया है जैसा पहले था। हाँ, और सेहत भी अब इसकी अच्छी बन गई है। और हम पहुंचे कितने बजे वापस? पता नहीं, टाइम देखा। हाँ, 7:30 हुए शायद अभी।
और 7:30 बजे वापस पहुंचे। मम्मी डैडी आग जला रहे हैं क्योंकि अभी तो नहीं सोएंगे, अभी थोड़ा सा बैठेंगे, खाना वाना तो हम खा के आए हैं। और रस्टी को अपने साथ नहीं ले गया था, इसको ले जाते हैं तो पता नहीं क्यों आदत जैसी इसकी थोड़ी बिगड़नी नहीं चाहिए। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चली है, चलिए अब अंदर चलते हैं। हेलो आप मंगवाते बस में बस कितना हेलो करेगा। परोला के गया सपना मेरा, बेटी हो कब हो सवेरा, परोला के गया सपना मेरा, वही है गम दे वही है चंदा तारे, वही हम बेसहारे। लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि मेरी, कल एक्सपायर हो गए थे। और क्या था कि कल डेट भी गलत हो गई थी, हो जाता है, थोड़े से बिजी भी होते हैं। अभी देखिए एडिटिंग वगैरह करनी होती है, वो तो मैंने बिना डेट देखे बोल दिया। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तब याद रहता है सभी, और कुछ कमेंट आते हैं कि डेट भी बोला करिए, तभी गड़बड़ हो गई। बाकी ब्लॉग कल का ही था, मतलब कि 6 का था, आज 7 है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा भी है मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय रेस्टी।